नमस्कार, मैं हूं मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव खबर। बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिन दहाड़े तीन नकाबपोश बदमाशों ने बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है बागपत के छपरौली क्षेत्र के तुगाना गांव के सिंडिकेट बैंक में अज्ञात तीन नकाबपोश बदमाश दाखिल हुए। बैंक मैनेजर को गन पॉइंट पर लेकर 15 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, बैंक में लगे CCTV कैमरे की DVR को उखाड़ कर ले गए। इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने पुलिस प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे डाली है। इस खबर के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बागपत से SP। SP साहब, क्या कहना है आपका? ये छपरौली थाने के अंतर्गत एक गांव है तुगाना, वहां पर सिंडिकेट बैंक है। पिछले 2.5 साल से ये चल रहा है। आज वहां पर तीन लड़के मोटरसाइकिल से आए थे, जिसमें से एक ने हेलमेट लगा रखा था और दो लोगों ने गमछे से अपना मुंह बांध रखा था। अंदर फिर दो ही व्यक्ति थे, उसमें एक तो मैनेजर थे और दूसरे उनका एक स्वीपर था जी। उसको इन लोगों ने ओवर पावर किया है जी, थे उनके उसको ओवर पावर किया और फिर उनका जो भी कैश था उसको अपने बैग में भर के ले गया। तो कुछ पता चल पाया कि ये कहाँ के कुछ लोग थे जो इस घटना को अंजाम दिया है? अभी तो फिलहाल हम लोगों ने टीमें गठित कर दी। मैं यहीं पे हूँ, घटनास्थल पे मौके पे ही हूँ और हम लोगों ने तीन टीमें बनाई है। इसलिए एडिशनल साहब भी हमारे साथ में, जो साथी है, तो हम लोग इससे लगातार कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग इसको CCTV कैमरे की भी बात आ रही है कि CCTV कैमरे के DVR तक उखाड़ के ले गए हैं, तो ये कहाँ तक सही है? जी, ये बात सही है। CCTV कैमरे वहाँ पर तीन लगे हुए हैं अंदर, लेकिन उसकी DVR तो बाहर ही रखी हुई थी, तो वो उसको भी उखाड़ के ले गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ बागपत SP। इस खबर के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता हैदर मलिक। हैदर, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं बता दूं जिस तरीके से पूरा मामला है। छपरौली थाना इलाके के तुगाना गांव का है, जहां पर सिंडिकेट बैंक पर बैंक मैनेजर जो रविंदर थे वो वहां पर हुए, तो वहीं से तीन जो बैंक में पैसा निकालने के लिए आए थे, तो वहां उस दौरान तीन नकाबपोश बदमाश पहुंचते हैं और बैंक मैनेजर की कंपनी पर तमंचा लगाते हैं और उसके साथ में लूटपाट शुरू कर देते हैं। जो बैंक में कैश रखा होता है उसे निकालने को बोलते हैं, लेकिन वो पैसा निकाल लेते हैं। उसके बाद जो अदर जगह पैसा रखा रहता है उन्हें भी निकालने को बोलते हैं। बैंक मैनेजर द्वारा जब विरोध किया जाता है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है जी। और जो वहाँ पर जो CCTV जो लगा हुआ था उसकी DVR भी बदमाश लेकर अपने साथ में फरार हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना पर SP बागपत तमाम पुलिस फोर्स के साथ, 4 थानों की फोर्स के साथ घटना स्थल का जायजा लिया और 2 स्क्वायर की टीम भी पहुंची है। फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। तो कोई जानकारी किसी तरह की मिल पाई, कौन लोग थे और कहां से आए थे, कुछ ऐसा जानकारी मिल पाई? क्या पहले से बैंक के खाता धारक थे? जी, अभी इस बारे में देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जानकारी नहीं जुट पाई है, क्योंकि नकाबपोश बदमाश से शिनाख्त नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी पुलिस जो SP बागपत दावा कर रहे हैं कि बदमाशों को जल्दी पकड़ लिया जाएगा जी। तो ये क्या पुलिस का फेलियर साफ नजर आता है? क्या पुलिस इसमें फेल थी या समय रहते अगर कुछ ऐसी चीजें हो जाती तो ये इस घटना को अंजाम ना दिया जाता? जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो सवाल उठता है पुलिस सुरक्षा पर उठता है, क्योंकि दिन दहाड़े लूट होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि दिन दहाड़े एक गांव के बीच से इतनी बड़ी घटना हो जाना। पुलिस व्यवस्था पर इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि बैंक के आसपास में पुलिस सुरक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक के पास में कोई पुलिस सुरक्षा के नाम की चीज नहीं है जी। तो इसमें जो पुलिस की सुरक्षा संबंधित थाने के द्वारा दी जाती है वो पुलिसकर्मी तैनात नहीं थे? नहीं, वहाँ पर कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था, सिर्फ बैंक मैनेजर और जो तीन लोग जो वहाँ बैंक में पैसे निकालने आए थे वो मौजूद थे, जिन्हें वहीं पर बदमाशों ने बंधक बना लिया था जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हैदर। ये थे हमारे साथ बागपत से हैदर मलिक। UP में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, चिंता का विषय है पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर के साथ।